भारत की सबसे शानदार कार के बारे में बात करें तो लोगों के जुबान पर हिंदुस्तान एम्बेसडर का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन 2014 में कम बिक्री के कारण हिंदुस्तान मोटर्स ने इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन अब हिंदुस्तान मोटर्स ने इस कार को दोबारा लॉन्च करने का फैसला लिया है। इस नई एम्बेसडर में क्या क्या खास है आज हम आपको बता रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारा चैनल ऑटोमोबाइल जो है सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। बात करें कार की फ्रंट लुक के बारे में तो इस कार की फ्रंट लुक में आपको कहीं पर भी एम्बेसडर की झलक नहीं दिखाई देगी और इस कार में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही इस कार में आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। कार की साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इस कार की साइड प्रोफाइल में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। कार की बैक प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इस कार की बैक प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा शानदार लगती है और इस कार में आपको 305 लीटर का बूट स्पेस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। कार के इंटीरियर के बारे में बात करें तो इस कार के इंटीरियर ऑल ब्लैक कलर्स के होंगे। कार के फीचर्स के बारे में बात करें तो इस कार में आपको डुअल एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और इंजन इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। कार के इंजन के बारे में बात करें तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन प्रोवाइड कराया जाएगा जो 87 bhp की पावर जनरेट करेगा और 120 nm का टॉर्क जनरेट करेगा और ये इंजन आपको कहीं ना कहीं 18 से 20 का माइलेज बड़े आराम से दे देगा। कार की लॉन्च डेट और कार के प्राइस के बारे में बात करें तो इस कार को मार्च 2020 में लॉन्च किया जा सकता है और इस कार के बेसिक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस होगा 7,68,000 रुपये और टॉप मॉडल का एक शोरूम प्राइस होगा 8,92,000 रुपये। दोस्तों, क्या आप नई एम्बेसडर खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।